नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सूत्रों से पता चला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा पुनर्निर्धारित हो गया है। 7 और 8 अप्रैल को शाह के होजई, गोहपुर और लखीमपुर में चुनावी रैलियों में भाग लेने की उम्मीद थी। सूत्रों के मुताबिक शाह के अब 11 अप्रैल को चुनावी राज्य का दौरा करने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को असम के नलबाड़ी का दौरा करने वाले हैं, जैसा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने शिवसागर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और इस दौरान वहां मौजूद लोगों के साथ नृत्य भी किया। भारतीय स्टेट बैंक विष्णुपुर शाखा मोनार्क लेशराम के कर्मचारी जो बैंक से लगभग 2 करोड़ रुपए की चोरी करके भाग गए थे, को शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली में पकड़ लिया गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपित नगर में शनिवार सुबह एनआईए की एक टीम पर हमला हो गया। एनआईए अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए वहां पहुंचे थे। इस घटना को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे सोची समझी साजिश बताया और कहा कि यह देखकर बहुत दुख होता है कि ममता बनर्जी सरकार के तहत टीएमसी आतंकवाद, माफिया, भ्रष्टाचार बन गई है। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि विपक्षी पार्टी आज के भारत की आशाओं और आकांक्षाओं से कट चुकी है और उसका घोषणा पत्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग की सोच को दर्शाता है। कल जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसमें पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है और शेष हिस्से पर वामपंथियों का वर्चस्व है। आज 6 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप आज दोपहर करीब 2:53 पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आया। लोकसभा चुनाव से पहले देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वकीलों और जजों को संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि जजों को गैर पक्षपातपूर्ण होना जरूरी है। शनिवार 6 अप्रैल को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास गांधी परिवार को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है। कांग्रेस ने गोवा, मध्य प्रदेश और दादरा के लिए उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम है। इनमें मध्य प्रदेश के लिए 3, गोवा के लिए 2 और दादरा के लिए 1 उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार, ग्वालियर से प्रवीण पाठक और खांडवा से नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं नॉर्थ गोवा सीट से रमाकांत खलप और साउथ गोवा सीट से कैप्टन विरियातो फर्नांडिस को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि दादरा एंड नगर हवेली सीट से अजित रामजी भाई माहला चुनाव लड़ेंगे। अजमेर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपके सपने मोदी का संकल्प है, हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।